अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू कुक विद रैनीज़ किचन। आज की मेरी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वेज कटलेट्स बनाने की रेसिपी। और एज वी ऑल नो, दिस इज़ डे 5 ऑफ 30 डेज रमदान स्पेशल सीरीज़। एंड आज हम बनाने वाले हैं वेज कटलेट्स, जिन्हें हम पटाटो के साथ बाइट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। यहाँ पर मैंने लिया है सबसे पहले एक बोल, और इसमें ऐड कर दिया है ये बॉयल किए हुए पटाटोज, जिन्हें मैंने ग्रेट कर लिया था एक महीन वाले ग्रेटर से। और इंस्टेड आप मैश भी कर सकते हैं, लेकिन ग्रेट करने से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं, तो इट्स अप टू यू, आप जो भी चाहें। एंड इसके बाद मैंने ये दो ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं, और इन्हें इसमें इस तरह से मैश करके ऐड कर देना है। तो आप चाहें आप ब्रेड क्रम्स का भी यूज़ कर सकते हैं, और चाहें इस तरह से चंक बनाकर ब्रेड के भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने इसमें ये ग्रीन चिलीज ऐड कर दी, इसके साथ में ही फ्रेश कोरिएंडर, क्योंकि रमदान स्पेशल है, रिफ़्रेशिंग सा होना चाहिए एंड वेजिटेबल्स से भरपूर है, तो कोरिएंडर तो इसमें जाना ही था। फिर मैंने इसमें ये ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर दिया है, साथ में ही आप इसमें चाट मसाला पाउडर, गरम मसाला पाउडर, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर और ये सारे स्पाइसेस जो हम स्नैक्स बनाते वक्त यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ऐड किया है सॉल्ट और ब्लैक पेपर पाउडर, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग स्पाइसेस को रख सकते हैं। और इसके बाद मैंने इसमें ये वेजिटेबल्स ऐड करना शुरू किए हैं। मेरे पास जो भी वेजिटेबल्स थी मैंने वो सारी ऐड की हैं। यहाँ मैंने कैबेज, कैरेट, क्यूकम्बर, रेडिश और भी बहुत सारी वेजिटेबल्स जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं, जो भी आपके घर में ईजीली अवेलेबल हो, और इन सभी वेजिटेबल्स को मैंने एक साथ कट किया है। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इन सभी वेजिटेबल्स के जूलियट्स बनाए हैं। मैंने थोड़ी सी ये कच्ची अनियन भी इसमें ऐड कर दिया, ऐसा करने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है कटलेट्स में। लेकिन अगर आप रमज़ान में स्किप करते हैं अनियन, तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और इसके बाद मैंने ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करनी शुरू की है, बाइंड किया है, और बहुत अच्छी बाइंडिंग आती है इसकी पोटैटोज़ की वजह से। इसे जब आप खाते हैं तो बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है, वेजिटेबल्स क्रंची हो जाती हैं बाहर बाहर से, और पोटैटोज़ के साथ बहुत ही ज़्यादा क्रीमी एंड क्रंची सा टेक्सचर आता है। तो आप भी इसे ज़रूर इंजॉय कीजिए, और अपने व्यूज़ मेरे साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो अच्छे से मैंने इसको सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है, इसके बाद आपको दिखाती हूँ मैं नेक्स्ट क्या करना है। अब जब ये मिक्सचर अच्छे से बाइंड होने लगे, सभी चीज़ें मिक्स हो जाएं, फिर आपने हैंड्स पर अच्छे से ऑयल लगा लेना है, और इसके बाद इसे अपने फेवरेट कटलेट का शेप देना है। तो बहुत आसानी के साथ ऑयल के साथ ये वर्क हो जाता है, तो आप भी इसे इस तरह से कर सकते हैं। मैंने सबसे पहले हैंड्स पर ऑयल लगाया, और आप चाहें तो आप यहाँ मोज़रेला थोड़ी सी ग्रेट करके इसके बीच में फिल कर सकते हैं, जिससे कि जब हम इसे फ्राई करेंगे फिर बहुत ही ज़्यादा चीज़ फुल और टेस्ट इसका इन्हांस हो जाएगा। तो आप भी इस तरीके से बना सकते हैं कटलेट्स। तो मैं सारे बना लेती हूँ और इसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, बहुत आसानी के साथ ये कटलेट रेडी है, और बाकी सारे इसी तरह से बनकर बिल्कुल तैयार हैं। तो अब आप चाहें इसे फ्रीज़ करके रख लें, और चाहें तो आप फटाफट से इसे फ्राई करके एंजॉय कर सकते हैं। तो अभी तो मैं इसे रमदान प्रिपरेशंस की वजह से बना रही थी, क्योंकि काफ़ी सारा रश हो जाता है इफ्तारी से पहले। तो जब आप इसे फ्रीज़ कर देते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं मैंने फ्रीज़ करके इसे रख दिया था, और अच्छे से ये फ्रीज़ हो चुके हैं, इसमें आइस लग गई है आसपास, और ये बिल्कुल आइसी से हम ऑयल में ऐड कर देंगे और इन्हें फ्राई करके बाहर निकालेंगे। इन कटलेट्स को स्टोर करने के लिए आप एक एयर टाइट बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं, और इसके ऊपर ऑयल लगाते हुए आप एक के ऊपर एक कटलेट भी रख सकते हैं। और एक बार जब इसमें आइस जम जाती है, फिर आपने बस इसे निकालना है डायरेक्टली, उसी तरह से आपने इसे ऑयल में डालकर फ्राई कर लेना है, जिस तरह से हम किसी रेडी टू ईट स्नैक्स को फ्राई करते हैं। और आप देख सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर कटलेट्स रेडी हैं। तो एंजॉय कीजिए इसे, और मुझे तो हमें याद रखिएगा। आज की मेरी रेसिपी में बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे एक नई और इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, सी यू ऑल सून इन द नेक्स्ट वीडियो।